वॉइस अभी बज रहे हैं रात के 3 और मैं हूँ ग्वालियर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि जो साथ में एक लड़का था ना जो बड़े जी पे रहता था छोटू, तो उसके साइड में इधर कमर पे लग गई है गोली, हो गया खतरनाक वाला सीन। मैंने इतने फ़ोन लगाए 10 बजे से लेके नहीं 11-12 बजे के बीच में, 11 बजे के बीच में 10 से 11, नहीं छोटू टाइम है वो, मैं कहाँ है तू, मैं टाइम है वो पंडाल लगाते, फिर मैं अकेला पंडाल लगाएगा तब फ़ोन लगाए, मैंने कुबेर के पे फ़ोन लगाए हैं, मैं कुबेर कहाँ आए हैं, पर जिनने एक उन्हें फ़ोन ही ना उठाए, फिर मैं सो ही गया हूँ। खून नहीं कर रहा हूँ बहुत। ग्वालियर से तो सुबह ही सुबह आ गए थे 6 बजे, 6 बजे आके मैं सो गया, तो अभी सो के उठा जैसे ही फिर पीयूष को छोड़ने आया हूँ। मेरे को स्कूल भी जाना था लेकिन स्कूल भी नहीं जा पा रहा मैं तो आज, तो मेरे पास ये पेपर रखे हुए हैं स्कूल के, अब मैं भेज देता हूँ कोई करवा लेगा इनमें से। पेपर कहाँ है, पेपर मैंने लैपटॉप में ही रख दिए थे कल शाम को, टाइप करने बैठा था लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया कल से। पेन ले जा और प्रिंट करवा लियो ठीक है, कॉपी तो मेरे पास रखी है पर कहाँ यार वो आधी आधी अधूरी अधूरी है, कुछ में मिस्टेक तो नहीं है, अदरवाद को मतलब ना इन्हें प्रिंट कर, वो फोटो कॉपी करवा लियो। फोटो कॉपी तो करवाना है? हाँ फोटो कॉपी करवा लियो, सत्य बात कर ली थे ना, ठीक है फोटो कॉपी करवा लो और ले आए फिर स्कूल में, मैं ना यार वाजे दो पान के पत्ता दे दो चल लो तो चल लो। एक तो FIR की NOC लेके आनी है। आयो सामने आ रही है G-Wagon। G-Wagon है चल ये दूसरा है चल रहा तू चल। शाम को तो वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं रात को ग्वालियर चला गया था जैसा कि तुम लोगों को मालूम ही है, तो अभी वीडियो मैंने अपलोड पर लगा दी है और ये बता रहा है 80 मिनट्स टू कंप्लीट, तो अभी बज रहे हैं 2 तो मतलब 3 बजे तक कंप्लीट हो ही जाएगी। जब से वीडियो एडिट की है तब से बस मैं सो ही गया और सो के अब उठाऊँ, अब कितने बज रहे हैं 7 बज रहे हैं शाम के, मतलब आज व्लॉगिंग में मैंने घंटा कुछ नहीं किया, पूरा दिन बस रजाई में डला रहा हूँ। और अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि असलियत में सीन हुआ क्या है, तुम लोगों को तो मालूम ही है कि कल मैं ग्वालियर में था पूरी रात और सुबह आया 7 बजे और आज आरती भी 10 बजे की है, उसके अलावा फिर मूड बहुत ख़राब है, मैं ना तो आज स्कूल गया हूँ ना कोचिंग गया हूँ, बस जब से सो ही गया हूँ और बता नहीं सकता क्या हुआ है। शाम को गया था 10:30 पे और अनुष्का से बोल के गया था कि मेरे लिए खाना परोस दे मैं आ रहा हूँ, वो यहाँ से गया। अब जाके क्या हुआ कि कोई होगा जो गली में ही रहता था, उसने क्या किया कि वो दारू पिए था और उससे हो गई छोटू से बहस। अब छोटू ने उससे वो गाली दे रहा था, छोटू ने उससे मना किया कि गाली मत दे गाली मत दे और वो माना नहीं, तो वो लोग वहाँ से तो होके घर आ गए, लेकिन वो जो था जो पिए हुए था उसने यहाँ आके उसके पास जो अवैध हथियार था जानबूझ के ही उसने गोली चलाई और ये कांड हो गया। फिर हम लोग को जैसे ही मालूम पड़ा रात के 12 बजे तो सीधे लेके ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर से फिर मैं सुबह आया हूँ और सुबह से बस घर पर ही डला हूँ। मोटा पैसा तो मुरैना में जिन पे ही है, सही कह रहा हूँ, बना ले तो ब्लॉग बना ले, नहीं जे सही कह रहा हूँ तो गलत कह रहा होता, गलत कह रहे हो भैया, मेरे पास तो इतना मेरा नाम मत लियो, ये देख लो सप्लाई गाड़ी से हो रही है हेल की, अच्छी कंपनी फंसा दी तुमने। अरे और का मानो इंजन दबाइए ये तो कर कर पाती है, इतना बेकार वाला कलेश हुआ है कि देखो एक तो आज ऑपरेशन नहीं हुआ और कल भी नहीं होने वाला क्योंकि कल सरकारी छुट्टी है ईद की और परसों जाके कहीं ऑपरेशन होगा, जब तक गोली शरीर के अंदर ही है। कल शाम की आइसक्रीम तो मैंने खाई नहीं भाई, मैं भी आइसक्रीम ही खा रहा हूँ और इसने तो आधा डब्बा कर दिया आधा इसका। वो अनुष्का पेट में दर्द है रहो है ना यार मूड में, तो फिर अब हैवी की दवाई ले तो गोरे हैवी की दवाई ले वो ले गोरे हैवी की दवाई। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ साउथ अफ्रीका का सबसे काला आदमी।